किसानों की लगातार विरोध से सरकार के ऊपर दबाव बन रही है। चुनावी साल है, ऐसे में इस तरह की प्रदर्शन सरकार के छवि पर सवाल उठा सकती है। इस किसान आंदोलन को केंद्र सरकार द्वारा रोकने की कोशिश की गई, जिसमें तमाम बैठक हुई केंद्र की मंत्रियों के साथ, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आज एक बार फिर अर्जुन मुंडा ने बुधवार को पांचवें दौर की वार्ता करने के लिए किसान नेताओं को न्योता दिया है। उनकी मांगों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए आज पांचवी बैठक का आमंत्रण दिया है। मंगलवार को उन्होंने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की थी, क्योंकि किसानों ने बुधवार को अपना आंदोलन फिर से शुरू करने और राजधानी तक मार्च करने की धमकी दी थी। उन्होंने 5 साल के लिए MSP कीमत पर दाल, मक्का और कपास की फसल खरीदने के सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और घोषणा की थी कि वे अपना दिल्ली चलो आंदोलन जारी रखेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर उनसे दाल, मक्का और कपास की फसल खरीदने की 5 साल की योजना का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसानों ने केंद्र के 5 साल वाले MSP के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। किसान नेताओं ने कहा कि प्रस्ताव उनके हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ दाल, मक्का और कपास ही नहीं बल्कि सभी 23 फसलों के लिए कानूनी MSP गारंटी चाहते हैं और हमें MSP से नीचे कोई भी प्रस्ताव मंजूर नहीं है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को शहर के टिकरी, सिंघू और गाजीपुर सीमा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया था। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के कारण राज्य के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट और SMS सेवाओं पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।